उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, आपके लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है, आपका विकास भी कर रही है और विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, अब कोई किसी प्रकार का कोई संदेह? कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना, अरे यही सीतापुर जनपद है, यही के माटी का नाम कैप्टन जवाब पांडे कारगिल युद्ध का है, जो कारगिल में दुश्मनों का छक्का जरा पिछड़ा के उन्होंने बहादुर सही बहादुर प्राप्त की थी, ऐसे पराजय चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पावन धरा है करमवीर चक्र प्राप्त होने हुआ था। और बहनों और भाइयों, उन्होंने लड़ते लड़ते देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे और कारगिल में विजय श्री का वरण किया था भारत ने। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा के लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? क्या ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? क्या ये गौ पसीना गौ हत्या का समर्थन करते हैं, क्या उनका समर्थन करेंगे? क्या ये अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण और सेल लगाना चाहते हैं, क्या अपील को समर्थन मिलना चाहिए? क्या बहनों भाइयों, कांग्रेस सपा ये दिल्ली का बंधन जो है ना, यह देश की एक समस्या है, एक बीमारी है बीमारी, इस बीमारी को जितनी जल्दी दूर दूर कर देंगे उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को कार्य होगा, रोजगार होगा, हर महिला आत्मनिर्भर स्वावलंबी होगी। 3 करोड़ गांव बीवी लखपति बीवी के रूप में बनाने का प्रधानमंत्री संकल्प लिया है। अगले ही कुछ वर्षों में आप देखना 3 करोड़ महिलाओं को आप स्वावलंबन की ओर से आगे बढ़ाने का काम फेडरल इंजन सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, यही नहीं, किसान खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा, यही अनुमान सही। समाजवादी पार्टी नौजवानों के हाथों में पवन के महिला की थी, आज हमने इन नौजवानों के हाथों में टैबलेट दे दिया है, टैबलेट स्मार्ट यूज होगा हमारा। समाजवादी पार्टी के समय में बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, आज बेटी को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो गया है, व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं ले सकता, व्यापारी को पीएम समिति के साथ जोड़ दिया गया और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। तो माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल गई है, आप देख रहे होंगे ना, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, राम भक्तों के मरने पर खुशी मनाते हैं। और तब बहनों भाइयों, आपने देखा होगा एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली और बहाते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक छोटा फिर आपने देखा होगा, और इसीलिए आप आपके पास आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, सुरक्षा का वायदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा विकास के जिन्दों को लेकर के आपके बीच मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी और मुद्दों को बखूबी उसने आगे बढ़ाया है। और आज जब हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है तो विकसित भारत के लिए मोदी फिर से आवश्यक है, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इस विकसित भारत के लिए अगर मोदी जी तीसरी बार आवश्यक है तो सीतापुर के लिए सीतापुर का भी इसमें योगदान होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। और इसके लिए
श्री राजेश वर्मा जी ऑप्शन है। राजेश वर्मा जी को चुनाव लड़ाने दे देंगे, दे देंगे, लेकिन इसके लिए बहनों भाइयों आपको घर घर जाकर के लोगों से 13 मई के लिए वोट डालने के लिए बोलना पड़ेगा। जैसे आप होगा अभी तक लगभग 40% वोट पड़ चुका है, लगातार लोग वोट दे रहे हैं। कमल चुनाव चिन्ह की तरफ सारे लोग, महिला पुरुष नौजवान सब का घुमा है, सब लोग कह रहे हैं कि मेरी बात मोदी सरकार और अपनी बात 400 पार इस वक्त के साथ हम पढ़ रहे हैं। आप ही बोलेंगे ना, आप ही जाएंगे नेत्री के साथ राजेश जी को चुनाव लड़ा के देखेंगे, लेकिन इसके लिए घर जाना होगा, एक एक मतदाता को बोलना होगा कि गरीबों के लिए भी सरकार मोदी जी की भाजपा की सरकार है, सुरक्षा देने वाली सरकार बीजेपी की सरकार है, अयोध्या में राम को आने वाली सरकार बीजेपी की है, और वो देश की आवाज है जो राम को लाए हैं हम उनको कहना है ना। अयोध्या कितने लोग हैं इधर, अरे काफी बड़ी संख्या चली गई। और मैं कहूंगा घर तिवारी जी से भी, अपने विधायकों से भी और राजेश जी से भी, चुनाव के बाद एक बार बाकी लोग जो बचे हैं उनको भी अयोध्या का दर्शन जरूर करना है। नई अयोध्या है, एकदम नई अयोध्या, ऐसे लगता है जैसे त्रेता में प्रभु राम के समय की अयोध्या फिर से वापस आ गई है। और एक बार